पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, जहलम और गिरदोनभा में यालाबारी भी हुई। मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। बागों के शहर में बादल और सूरज के दरमियान आंख मिचोली जारी। जहलम के मुताबिक मकामात पर फीडर स्ट्रिप करने से बिजली बंद हो गई। इस्लामाबाद, पोटोहार और खैबर पख्तूनख्वा में आज आंधी चलने, बारिश की पेशगोई कर दी गई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बिजली बहाल करने ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर ने अपने ऐलान के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे पर फिक्स कर दिया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुद लोड शेडिंग का शेड्यूल तैयार कर दिया। कहा अब किसी भी इलाके में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी, तमाम पार्लियामेंटेरियंस शेड्यूल पर अमल करवाएंगे। घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। तमाम पार्लियामेंटेरियन, आपको अवाम ने वोट दिया और आपके साथ अवाम ने गैरत भी की है, गैरत के साथ वोट दिया है, वोट भी दिया है और गैरत भी की है और अब हमने गैरत करनी है इनके साथ। और आप लोगों ने 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहां पर भी है खुद बैठ कर चौकीदारी करनी है। सुबह के तमाम पार्लियामेंटेरियंस ग्रिड जाकर बिजली बहाल कर दें, वापटा ज्यादा कर रहा है। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर नहीं होनी चाहिए। किसी ने वापटा के असासे को नुकसान नहीं पहुंचाना। वफाकी हुकूमत जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। नेशनल ग्रिड से बिजली कम की तो बिजली बंद कर दूंगा। आप किस तरह बैठे हैं और किस तरह आपको निकालना है मुझे पता है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। जो हमारे धमकी वजीर आला है वो अब फिर धमकियां दे रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई, पहले कूड़ा तो उठा लो। पूरा मीडिया जो है वो कल बताता रहा, कूड़ा उठाने के लिए थोड़ी सी मरियम नवाज़ की नकल करनी पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़े से रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और आपके लिए तो इतनी सी मेहनत भी काफ़ी होगी। मरियम नवाज़ ने खैर बहुत सारी की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरपरस्ती में ग्रेड स्टेशंस पर हमले हो रहे हैं। ये लोग ईद पर भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आते। धमकी, वज़ीर-ए-आला सफाई पर तवज्जो देने के बजाय धमकियां दे रहे थे। पहले कूड़ा उठा लें फिर धमकी किसी और को दें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद पर पेश आए चंद नाखुशगवार वाकियात का नोटिस लिया। पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर काम हो रहा है। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त एक मखसूस सियासी जमात ने एक फन सीखा है और उस फन को मैं ट्रोल गर्दी कहूंगा। एक सियासी जमात ट्रोल गर्दी का नहीं है, कभी सियासतदानों तो कभी इदारों की ट्रोलिंग की जाती है। अदलिया से पसंद का फैसला लेने के लिए ट्रोलिंग शुरू कर दी जाती है। पगड़ियां उछालने के लिए ट्रोल की सियासत जमहूरी तर्जमल नहीं, सियासत के लिए रियासत को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। पीटीआई से कहूंगा कि रियासत और सियासत में फर्क सीखें। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बजट इस्तेहात, आईएमएफ से मुआहदे के इम्कान रोशन, खसारा कम होने का इम्कान, खसारा कम होने का वाज़े इम्कान। फिच रेटिंग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आइंदा माली साल में अहदाफ हासिल हो सकते हैं। खसारे में कमी से बैरूनी दबाव कम होगा। सख्त पॉलिसियों से तरक्की में वाज़े कमी हो सकती है। आइंदा माली साल में शरह नमो 3% तक कम हो गई। फरवरी से पाकिस्तान की बैरूनी पोजिशन में मुसलसल बेहतरी आई है। मजबूत ज़रई बरामदात ने भी मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को ईद की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने बरादराना और करीबी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया।
वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान को पाकिस्तान के दौरे की दावत। फरीजा हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी आज़मीन की आज से वतन वापसी शुरू हो गई। PIA समेत तमाम निजी एयरलाइंस जद्दा मदीना से हुजाज कराम को वापस लाएंगे। सिविल एविएशन के मुताबिक मुल्क भर के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर हुजाज की आमद के लिए ख़ुसूसी इंतजामात। PIA एयरलाइंस की पहली परवाज आज हुजाज कराम को लेकर कराची पहुंचेगी। PIA का बाद अज़ हज ऑपरेशन 21 जुलाई तक जारी रहेगा। ईद उल अज़हा के तीसरे और आखिरी रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों और देहातों में जानवर की कुर्बानियां की गईं। शहरों ने ईद के तीसरे रोज सीजी बड़े बड़े प्लान बनाए। गर्मी के बावजूद फैमिलीज के सैर सपाटे, तफरीगाहों और सियाहती मकाम पर आवाम का रश लगा रहा। शहरों की बड़ी तादाद ने मरीज गिलियात का रुख कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में आलाइशें उठाने, सफाई सुथराई का काम भी जारी। घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। तमाम पार्लियामेंटेरियन, आपको अवाम ने वोट दिया और आपके साथ अवाम ने गैरत भी की है, गैरत के साथ वोट दिया है, वोट भी दिया है और गैरत भी की है और अब हमने गैरत करनी है इनके साथ। और आप लोगों ने 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहां पर भी है खुद बैठ कर चौकीदारी करनी है। सुबह के तमाम पार्लियामेंटेरियंस ग्रिड जाकर बिजली बहाल कर दें, वापटा ज्यादा कर रहा है। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर नहीं होनी चाहिए। किसी ने वापटा के असासे को नुकसान नहीं पहुंचाना। विफाकी हुकूमत जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। नेशनल ग्रिड से बिजली कम की तो बिजली बंद कर दूंगा। आप किस तरह बैठे और किस तरह आपको निकालना है मुझे पता है। वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। जो हमारे धमकी वजीर आला है वो अब फिर धमकियाँ दे रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई, पहले कूड़ा तो उठा लो। पूरा मीडिया जो है वो कल बताता रहा, कूड़ा उठाने के लिए थोड़ी सी मरियम नवाज़ की नकल करनी पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़े से रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और आपके लिए तो इतनी सी मेहनत भी काफ़ी होगी। मरियम नवाज़ ने खैर बहुत सारी की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरपरस्ती में ग्रेड स्टेशंस पर हमले हो रहे हैं। ये लोग ईद पर भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आते। धमकी वज़ीर-ए-आला सफाई पर तवज्जो देने के बजाय धमकियां दे रहे थे। पहले कूड़ा उठा लें फिर धमकी किसी और को दें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद पर पेश आए चंद नाखुशगवार वाकियात का नोटिस लिया। पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर काम हो रहा है। वज़ीर-ए-इत्तला'आत पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त